गुड मॉर्निंग ऑल, जय श्री राम, अरुण महादेव। करते हैं नए दिन नए ब्लॉग की शुरुआत एक बड़ी सी स्माइल के साथ। आज यथार्थ भाई सुबह सुबह पधार गए भाई जिम पे, भाई अपना ब्लॉग सुबह ही मिलूंगा क्या? अरे बड़ी बातें, ताला पिछले हफ्ते इतना मोटिवेट करके चला गया, खुद गायब हो गया फिर ना कोई समझ ना कुछ। भाई कहाँ था वैसे? अपनी मस्ती में अपनी धुन में मस्त है। सही है सही है सही है। अभी खुद ब्लॉग शूट कर रहा, मुझे याद आ रहा है साला मैंने भी चालू ना करा तो अभी तक। तो जिम पे आ गया था भाई, पूजा वूजा कर दी थी, ये मैंने फ्रेगरेंस मंगाई थी जिम के लिए, तो ये लगा दिया मैंने, मस्त खुशबू हो रही है इसकी। भाई यहाँ मैं चालू हो गया वर्कआउट करने के लिए। हैं नहीं आ रही खुशबू? आ रही है ना, पीछे पीछे ढक दिया, बाथरूमों में भी अलग वाला लिया है मैं, रूम फ्रेशनर। ये ना सोचना इनसे 50 बार कह ली थी बाहर को खोल दे करो। अरे ऐसे कैसे खोल देंगे मान के, हमें डैडी का कौन कहेगा फिर? एक बार में थोड़ी ना बात मानी जावे। क्यों भाई है ना, अब खोल देगा, अब याद रहेगी किसकी? भाई अब भाई ना एंट्री की जरूरत तो है, याद ना रही होगी। तू तो कर दे, देख इसे वीआईपी को देख लो, तुरंत छोड़ के चल दिया। यूँ कह रहा तेरा नौकर ना लग रहा भाई, कह रहा नौकर ना लग रहा मुझे है अनुज ना कर दे तो मेरा का नाम याद ना आ रहा बस। कह रहा नाम याद ना आ रहा। हेलो अगेन, तो खाना पीना हो गया था, साफ़ सफाई जिम की हो गई थी ऑलरेडी, थोड़ा ब्लॉग लेट चालू करा है क्योंकि दो बजे तो मैं फ्री हुआ था साफ़ सफाई करके पापा के साथ, क्योंकि लड़का वापस से भाग गया था जैसे मैंने बताया था पहले भी। तो अभी सो के उठा हूँ, पापा सुबह डाइट लेके आ गए थे, मेरी डाइट खा ली थी, अब खाना लेके आ रहे हैं, खाना वाना खा लूँगा। बाकी बच्चे आने चालू हो गए, बच्चे के एक भैया आए हैं अभी, जॉन नाम है इनका, तो बस अब धीरे 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 सब आना चालू हो जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग ही चालू कर देता हूँ, वरना फिर कुछ होता नहीं है शूट करने के लिए, या फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा छोटा होता तो देखने वालों को भी मज़ा नहीं आता। मैंने कहा चलो अभी चालू कर देता हूँ जैसे ही टाइम मिला है, जल्दी से फ़ोन उठाया पटाख से चालू। तो मशीनें वगैरह सब साफ हैं, मैट वगैरह एकदम क्लीन है पूरा। देखो ये थोड़ा साइड से पानी सीलन आ रही है उसकी वजह से, क्यों? क्योंकि साइड में वाला जो प्लॉट है उसमें अभी कुछ बनानी है तो मिट्टी है, तो मिट्टी की सीलन अंदर आ रही है यहाँ पे जिम में पूरे में कंप्लीट वहाँ से वहाँ तक। ये देखो ये साइड वाले प्लॉट की वजह से अपनी तरफ सीलन आ रही है, बाकी साइज़ बताओ कैसा लग रहा है? लो बढ़िया लग रहा। ये देखो अब नेक्स्ट टारगेट है मेरा ये जिम के सारे शीशे साफ़ करना। वैसे तो साफ ही पड़े हुए हैं शीशे, गंदे नहीं है, ये वाला भी साफ है। मेनली सबसे ज़्यादा गंदा ये लगता है, ये वाला डंबल वाला, जिधर डंबल एरिया इधर का शीशा ज़्यादा गंदा रहता, बट ये भी क्लीन लग रहा है मुझे फ़िलहाल तो। आज हम भी वर्कआउट करेंगे, बहुत दिन हो गए, लास्ट वीक पूरा वर्कआउट किया ही नहीं है, तो इस बार अपन भी चालू कर देंगे वर्कआउट करना, क्योंकि लापरवाही सही नहीं है। शरीर थोड़ा सा ठीक होता वापस से मैं बंद कर देता हूँ वर्कआउट चालू करने, मतलब बंद कर चालू करना। हाँ वही डैडी से जोड़ गया, बाल बहुत धीरे बढ़ रहे हैं, मुझे बाल बढ़ाने हैं कोई बढ़िया वाली लुक। तो इट्स टाइम टू गो होम, आज जल्दी जा रहा हूँ, शाम के बज रहे हैं 7:30, जल्दी तो नहीं है वैसे, बट हाँ रोज़ के दिन से जल्दी आई। पापा कहने लगे तुम घर चला जा, सुबह का होगा अब मैं देख लूँगा, ऐसा कोई बंदा है नहीं जिसे सिखाना हो। और इनका फुवारा चल रहा, अलग चलाओ अलग, दूर को चलाओ दूर को, और क्या हाल चाल है, कैसे हो? मीट बबलू यादव डोन इटाड़े के गोली मार देते हैं, अभी फुहारा मार रहे हैं फिलहाल, गीला हो जाऊंगा बहुत दूर जाना। सो हेलो यूट्यूब फैमिली अगेन, तो घर जा रहा था, मैंने रिकॉर्ड दिखाया था, मतलब रिकॉर्डिंग दिखाई थी, व्लॉग में शूट कर रहा था, तो घर जाते जाते मुझे अजीब सा लगने लगा, मन सा नहीं मान रहा था जाने के लिए, तो मैंने पापा को फ़ोन करा, पापा कहने लगे छोड़ तू वापस जिम पे आ जाओ। जिम पे आ गया, मैंने पापा को घर भेज दिया और मैंने संभाल लिया फिर यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। साफ़ सफाई मैंने कर दी है, मशीनें सारी क्लीन कर दी हैं ताकि सुबह आके मुझे चकाचक मिले, काम ना करना पड़े। सुबह आके थोड़ी सी झाड़ू निकाल दूंगा ताकि अपनी पूजा कर सकूं, इधर से सारे मैं यहाँ से पूरी झाड़ू निकाल के अपना पूजा कर दूंगा, और फिर सुबह साफ़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पूरा जिम क्लीन पड़ा हुआ है एकदम, मशीनें वगैरह हर चीज़ फ्लोर वगैरह। तो बस जाने की तैयारी कर रहा हूँ मैं अभी, अब निकलेंगे सीधा घर के लिए क्योंकि हम बीच में से वापस आ गए थे। लोल
मन नहीं था ना मेरा, मान ही नहीं रहा था मन, फिर चाबी भूल जाता है मैं अभी बुलेट के अंदर से ही, और कैप रखनी पड़ेगी अंदर ही क्योंकि ये कैप एक एक ही है। और अरे यार अभी तो पीछे की लाइट बंद करनी है, पीछे की तो लाइट रहेंगी बंद करने के लिए, आगे की जली छोड़ के चला जाऊँगा, पीछे की बंद कर दूँगा ताकि रोशनी रहे थोड़ी जिम में, अच्छा होता है। बिना हेलमेट बिना कैप के तो बाल बड़े अजीब से लगते हैं भाई, क्योंकि लंबे कर रहा हूँ तो संभाल ले थोड़े से दिक्कत कर रहे हैं, बाकी जब पूरी लेंथ हो जाएगी अच्छे से तो पीछे जोड़ा टाइप जो होता है वो बनाया करूँगा बढ़िया वाला। चलें जी यार अभी तो हेलमेट, एक सेकंड गाइस एंगल चेंज करना पड़ गया हमको कैमरे का, थोड़ा नीचे से ऊपर देखना पड़ रहा होगा आप लोगों को, एक सेकंड इसको बाहर रख दो हेलमेट को बाइक के ऊपर, ये धन्नो अपनी सब चले गए भाई वर्कआउट कर करा के, जस्ट अभी गए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैंने साफ़ सफाई तभी चालू कर दी थी सबके सामने, अपने को कौन सा सराना भाई अपना काम है, अब काम वाले तो भाग जाते हैं तो खुद को तो करना पड़ेगा ही, तो शर्म अगर करने लगे तो काम तो होने से रहा, शर्म ही रह जाएगी फिर तो, शर्म ही काम ले जाएगी अपना सारा। ए मेंढक साहब इसको देख लो मेंढक को, चल इधर चल इधर, ओ ब्रो 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 बैक गियर चलो 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 जी, मैं जिम बढ़ा दूँ जरा। घर आ गया, पूरी 30 से 35 मिनट लगती है भाई सामने में, 35 से 40 मानो, 30 से 35 तो नहीं, हाँ 35 से 40 के बीच में टाइम लगता है, और थकान हो रही है भयंकर। ये पहन के आया था हाथों में ताकि कंकड़ वगैरह बहुत लगते हैं हाथों में छोटी छोटी।